लास्ट ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करते हम, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है ये हम बता चुके थे पहले कि अगर पहले वाली जो कोई मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इसके ऊपर एक्सरसाइज आ रही 4.1 4.2, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज कन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। क्या ये इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है? तो उसके लिए याद रहे हम, हमें पहली मैट्रिक्स दी है, इसका ऑर्डर है 2 बाई 2 और इसका ऑर्डर है 2 बाई 1। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने लिखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 2 बाई 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले की नंबर ऑफ रो अगर कॉमन है, जैसे कि हमने पहले वाला मैट्रिक्स लिख लो यहाँ पे, दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लो यहाँ पे, बीच में एक कॉमन आने चाहिए, इसका मतलब पहले वाले के कॉलम नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले की रो अगर इक्वल है तो मल्टीप्लीकेशन, यस मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल। तो इतना ही आंसर बताना था इसमें, तो आपका क्वेश्चन तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया जितना पूछा था। मैंने इसमें ही पे एक मल्टीप्लीकेशन करके दिखाई फॉर एग्जाम्पल कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमने एक मैट्रिक्स रख लिया ए और बी रख लिया ए, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है वो सीखेंगे आप कैसे। ये तो हमारी होगी रो और ये हो गया हमारा कॉलम, तो आप कह रहे इसकी मल्टीप्लाई -1 की 5 में करेंगे, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 6 में, यानी कि पहले एलिमेंट की पहले में और रो के दूसरे एलिमेंट की कॉलम के दूसरे एलिमेंट में इंटू करेंगे, बीच में प्लस आएगा, ऐसे दोबारा दूसरे वाले की 3 × 5 फिर बीच में प्लस 4 × 6, तो ये आ गया हमारा सोल्व करके 7, ये होगा 39। और ऐसे भी पता लग रहा जो ये बाहर बचता है ऑर्डर, बाहर क्या ऑर्डर बच रहा 2 बाई 1, तो इनकी जो मल्टीप्लाई होगा आपकी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर भी 2 बाई 1 होगा। देखो इसका ऑर्डर 2 बाई 1 है, 2 बाई 1, तो इसलिए हम ये एक एग्जाम्पल दिया करें बीच में मल्टीप्लाई करके। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आगे, फाइंड द मैट्रिक्स बी, पहले मैट्रिक्स बी निकालनी है, इफ ए इक्वल टू इतने एंड ये रिलेशन दे रखी, तो इस रिलेशन का बेनिफिट उठाओगे, पहले ये रिलेशन लिखेंगे यहाँ पर, तो ये रिलेशन लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से एंड 2b का हमें पता नहीं ऐसे लिख दिया, ए स्क्वायर को हमने ए इंटू ए लिख दिया करके, अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई का मेथड फिर वही है पहले वाला, इस रो की 1 4 वाले की 1 3 वाले कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, 1 × 1 प्लस 4 × 3, ऐसे ही पहले रो की सेकेंड कॉलम में 1 × 4 4 × 2, तो रो की कॉलम में होगी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऐसे चलती है ऐसे, अगर ये जो एलिमेंट है इसकी यहाँ वाले में होती है, इस एलिमेंट की यहाँ वाले में होती है, इस तरीके से मल्टीप्लाई चलती है। तो ऐसे ही हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 2 ये सेकेंड रो है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 वाले कॉलम में, 3 × 1 2 × 3, ऐसी सेकेंड रो होगी सेकेंड कॉलम में 3 × 4 प्लस 2 × 2, तो ये कैलकुलेट करके सोल्व करके आ गया 13 12 9 16, ये ए की वैल्यू जुटी 2 बी जुटी 2। अब इस वाले मैट्रिक्स को प्लस का है उधर ले गया माइनस का हो गया, और 2b = 2 हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को मैट्रिक्स से कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में से ही आप माइनस कर सकते हैं, 13 में से 1 गया 12, 13 − 1 = 12, 12 − 4 = 8, 9 − 3 = 6, 16 − 2 = 14, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ये बी मैट्रिक्स आ गया, बी का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम मल्टीप्लिकेशन पर आ रहे हैं, तो हमें निकालना है ए स्क्वायर, तो पहले लिखेंगे हम ए, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, ये मैट्रिक्स हमने 2 बार लिखी, अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई आपको समझ दिया है, तो इस मल्टीप्लाई को समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या है 2 3 1, तो ये पहली रो है, इस पहली रो की मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम में,
कैसे होगी मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 याद है, 3 इंटू माइनस 1, 1 इंटू 2 एक पूरा हो गया। फिर इसी रो की सेकेंड वाले में 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 1 इंटू 0, ऐसे इसी कॉलम की थर्ड वाले कॉलम में इसी रो की 2 इंटू 1, 3 इंटू 3, 1 इंटू कितना 10। तो इस तरीके से हम फिर सेकेंड रो लेंगे इसकी फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड में थर्ड में, फिर थर्ड रो लेंगे इसकी फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड में थर्ड में, ये आपकी आ जाएगी। और इसको सोल्व करके आ जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू 3, 12, 21, 21, 35, 24, 6 और 102। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन आगे के रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा। अब आप अपने कान को पूरा करते रहिए और अपने मोबाइल को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखकर अपनी पढ़ाई करेंगे ताकि आपकी आंखें सुरक्षित रहें। और बोर्ड की क्लास होने के नाते आपको अपनी तैयारी लगातार सीरियस होकर करनी है, कंटिन्यूसली सिंसियरली सिंसियरली करनी है, क्योंकि बोर्ड की क्लास में 12th के मार्क्स बड़े महत्व रखते हैं। थैंक यू।